देखें आप, बालूशाही की क्वालिटी देखें आप, ज़बरदस्त देख सकते हैं कि ये जो भाई है वो लगे हुए यहाँ पर। तो विवस ये जो मुखली मिठाई है, ये पतीसे के आइटम है, 500 रुपये किलो है। 500, ये जो जितने कलर्स में ये पतीसा है, ये भी 350 रुपये किलो है। ये भी 350 रुपये का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रजास्वानी। विवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त झंडा चौक पे मौजूद हूँ, लियाकताबाद। मिठाई वाली गली के नाम से बेतहाशा मशहूर है ये, लियाकताबाद में मौजूद है। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर जो मिठाइयों के छोटे छोटे ठीए लगाए जाते हैं वो इसी गली से सप्लाई होते हैं। यहाँ पर आपको हर किस्म की मिठाई मिल जाएगी और बहुत ही मुनासिब रेट में मिलेंगे, और मैं समझता हूँ कि क्वालिटी भी इतनी बुरी नहीं होती, मुनासिब होती है। तो अब चूँकि रमज़ान के दिन एंड पे हो चुके हैं और अब चांद रात पे जो है वो यकीनन लोग मिठाइयाँ अपने अजीज़ो अकारिब में तकसीम करने के लिए जो जाते हैं मिलने के लिए अजीज़ो अकारिब के लिए, उनके लिए परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक गहमा गहमी का आलम होता है। मैं दिन के वक्त शूट इसलिए कर रहा हूँ कि रात को जो चांद रात को जो समा होगा रश का, उसमें हम काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त भी, दिन के वक्त भी, और आज बहुत ख़तरनाक किस्म की लू चल रही है और चांद रात है आज, तो इस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि चहल पहल है। यहाँ पर बहुत सारी मुख्तलिफ दुकानें हैं, जैसे आप अगर आप उस साइड पर देखेंगे तो आपको वहाँ पर फरहान स्वीट नज़र आएगी, उसके सामने जमील स्वीट एंड रबड़ी हाउस है, इसके अलावा अजीम स्वीट है, और ये पूरी गली जो है वो खचाखच भरी हुई है। अभी हम जो है सामने जमील स्वीट पे चलेंगे। जमील स्वीट की जो मिठाइयाँ होती है वो बनस्बत उन दूसरी मिठाई की जो दुकान है उनसे बेहतर, मच बेटर है। तो हम उनका जो प्रोसीजर है मिठाई बनाने का वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं, चल के ये तमाम प्रोसीजर आपके साथ शेयर करते हैं और जो रेट्स हैं वो भी आपके लिए एक्सप्लोर करता हूँ। आ जाए मेरे साथ। अच्छा, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जमील स्वीट के ऊपर। जमील स्वीट की मिठाइयाँ बहुत ज़बरदस्त होती हैं, पिछले साल भी मैंने ये कवर किया था। शहजाद मैम है आपका? शहजाद भाई कैसे हैं आप? तरीके से शहजाद भाई, थोड़ी सी रेट बताएं आप इसके। जैसे गुलाब जामुन है, सब ये छोटे गुलाब जामुन है 350 रुपये किलो, ठीक है। और ये बड़ी जो है माशाल्लाह से, इसमें बड़ा साइज है, ये भी 350 रुपये किलो। ये भी 350 रुपये साइज का फर्क है, ज़ाहिर है उसमें किलो में कम चढ़ेगा, इसमें ज़्यादा चढ़ जाएगा। अच्छा, ज़बरदस्त सी मिठाइयाँ, जैसे ये है बालूशाही कहते हैं ना सर, बालूशाही 500 रुपये किलो। ये देखें आप, बालूशाही की क्वालिटी देखें आप, ज़बरदस्त। और चूँकि मेरा रोज़ा है तो मैं इसे सूंघ भी नहीं सकता, वरना तो दिल बहुत कुछ चाह रहा है। और ये जो मुख्तलिफ मिठाई है, ये पतीसे के आइटम है, 500 रुपये किलो है। 500, ये जो जितने कलर्स में ये पतीसा है, अलग अलग अपने 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 टेस्ट अलग अलग है, ठीक है ना। अच्छा, ये 500, 350 और इस तरह के रेट, ठीक है ना। चमचम जो है वो 450 रुपये किलो है। चमचम साढ़े मोतीचूर के लड्डू 500 रुपये किलो है, ठीक है। ये बेसन के लड्डू है, ये भी 500 रुपये, 500 रुपये किलो है। ये गोल पेड़ा है, ये बर्फी का, ठीक है। ये 700 रुपये किलो है, 700 रुपये किलो है। अच्छा, इसी तरह यानी कि इसी रेंज में है, इससे ज़्यादा के रेंज 700 तक के, 700 तक की रेंज में सारे आइटम जो है वो 700 रुपये, बर्फी का लगन 700 रुपये किलो। आपके यहाँ की सबसे ज़्यादा कौन सी सेल है? गुलाब जामुन। अंदाजन कितना निकलता होगा एक दिन में? ये माशाल्लाह से मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से, मनों टनों के हिसाब से निकलता है बिल्कुल। जिस तरह अभी बस मैं ये देखता हूँ, मैंने ये देखा है पिछले साल भी मैं जब यहाँ पर आया था। आप काम करें, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप अपना काम करें। मैंने भी पिछले साल जब व्यूअर्स यहाँ पर आया था तो मैंने ये देखा था कि जो रश है ना वो बयान से बाहर है और इनको बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। क्यों? चूँकि अब ईद सर पे आ गई है और ईद आने का मतलब ये होता है कि मिठाइयाँ, रमज़ान में तो हम लोग सहर अफ्तार के जो सिलसिले होते हैं उसमें लगे रहते हैं, मिलना मिलाना कम होता है। अगर मिलना मिलाना भी कम होता है तो अखलाक का वो मुजाहरा नहीं होता, इसलिए कि हिम्मत ही नहीं होती कि आप किसी किस्म के अखलाक का मुजाहरा कर सकें। तो व्यूअर्स, अंदर चलते हैं, अंदर चलते जो इनके प्रोसीजर है काम करने का, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल है गुलाब जामुन किस तरह बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अंदर चलें, अंदर चल के वो बनाने के जो तरीक़ेकार हैं वो दिखलाता हूँ, आ जाए। अच्छा व्यूअर्स, मैं जो अंदर आया हूँ, ये कारखाना इनका जहाँ पर गुलाब जामुन बनाए जाते हैं, और यहाँ पर जो गर्मी है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इस गर्मी के अंदर आपके लिए इतनी ज़बरदस्त सी मिठाइयाँ यहाँ पर तैयार की जाती है। आप देख सकते हैं कि ये जो
भाई हैं वो लगे हुए यहाँ पर। तो व्यूअर्स, ये मिठाइयाँ जो हैं वो इतनी मेहनत और सफाई से, यहाँ पर मैंने जो सफाई का मेहनत देखा है इसमें कोई शक नहीं। आप ये देख सकते हैं कि ये तैयार है, जो कढ़ाई है उसके बाद कढ़ाई में से निकलने के बाद उसको शीरे में जाया जाता है, और ये वो शीरा है जो कि आप देख सकते हैं कि ये बॉक्सेस की शक्ल में पूरे वहाँ तक कोने तक लगे हुए। इनकी जो सप्लाई है ना वो आउटस्टैंडिंग है व्यूअर्स। इनका नंबर हम स्क्रीन पर चलाएंगे, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, होल सेल पर भी आप इनसे ले सकते हैं, दुकानों पर कई लोग लेके जाते हैं। इसके अलावा मिठाई के लिए भी घरों में जो ईद के दिन आप जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे होंगे तो यकीनन मिठाई के डिब्बे लेके जाएंगे, तो ये सस्ती मिठाइयाँ नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो व्यूअर्स ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने झंडा चौक लियाकताबाद से आपके लिए शेयर की। स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा होगा, रब्ता आप इनसे कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, रिजाबाद के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट हसन रजा इस्फानी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।